दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर मंगलवार को विराम लग गया। मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने खड़े होकर आतिशी को अपना नेता चुना। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने एक बहुत ही घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजा और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने दिलेरी के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जनता की अदालत में जाने का ऐलान किया। अब चुनाव तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आतिशी को दी गई है। सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी के हिस्से में आज मुख्यतः दो काम हैं। पहला, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और भाजपा के षड्यंत्र से बेहद आहत है। कई लोग रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बने। आतिशी को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाना है। दूसरा, अगले कुछ महीनों में दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए भाजपा केजरीवाल द्वारा दी गई सुविधाओं को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। फ्री बिजली बंद करने की कोशिश करेगी, स्कूल अस्पतालों को खराब करने की कोशिश करेगी, फ्री दवाई बंद करने की कोशिश करेगी और नालों व सीवर सफाई का काम बंद करने की कोशिश करेगी। आतिशी की यह जिम्मेदारी है कि भाजपा के इस आतंक से दिल्ली की जनता की रक्षा करेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आतिशी इन कठिन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उधर विधायक दल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी को दी गई है। एक विषम परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के षड्यंत्र के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी को खत्म करने और दिल्ली की सरकार को तोड़ने का अभियान चलाया, भाजपा के इन सभी अभियानों को विफल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की एकजुटता, सरकार की स्थिरता और कामों को जारी रखा है। राय ने आगे कहा कि भाजपा की यह कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें ताकि दिल्ली सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हितों में काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई भी। अंत में राय ने कहा कि आतिशी को जिम्मेदारी की गई है कि दिल्ली वालों के काम को रोकने की भाजपा के सारे षड्यंत्रों को विफल करना है, इसलिए नए मुख्यमंत्री को इस संघर्ष को जारी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है,
लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक, हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। बिजली, फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या, उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। देखिए, ये दोनों प्रस्ताव, अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। आज ही प्रस्तुत किया जाएगा, आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा, कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए सर, चलिए, बस बस अमित भाई।